अब कोई भी आसुरी शक्ति प्रभु श्री राम के काज में बाधा नहीं बन सकती। जय श्री राम। हनुमान हनुमान अब रुक भी जाओ ना। हनुमान ये विषाक्त धूम्र मुझ पर प्रभाव डाले उससे पूर्व ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे गिरेगा वो, संभालो उसे। भयभीत मत हो मित्र, हम तुम्हें लपक लेंगे। इतनी तीव्र गति, भागो भागो। बंद करो ये मूर्खता, हनुमान जी लंका के निकट पहुंच ही रहे होंगे। अर्थात तुम मेरे लिए रुकोगे नहीं हनुमान? किंतु मुझसे बचकर तुम जा भी नहीं पाओगे हनुमान। अच्छा तो ये है वो माया। जय श्री राम जय श्री राम। मैं तुम्हें अपना ग्रास बना लूंगी। माता आप जो भी हैं मुझे जाने दीजिए, एक क्षण का विलंब भी मेरे लिए दुष्कर है। मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। नहीं जा सकते हो वानर, देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर यहाँ भेजा है। भूखी हूँ मैं, तुम्हें खाकर तृप्ति मिलेगी मुझे वानर। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। क्या मैं उड़ान क्यों नहीं भर पा रहा? व्यर्थ में ही इतना परिश्रम कर रहे हो। नाग माता तोड़ता हूं मैं,
मुझे स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी यहाँ से आएगा उसे मेरा आहार बनना ही होगा। माता, प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता को रावण ने अपहृत कर लिया है। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। उनसे मिलकर प्रभु को उनकी कुशलता का समाचार देना है मुझे। ये कार्य मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात मैं स्वयं आ जाऊंगा आपके पास। तब आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। मूर्ख समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मृत्यु के मुख से छूटकर कौन वापस आता है? ब्रह्मदेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता है। मैं जिसका मार्ग रोक लूं, उसे मेरे मुंह में आना ही होता है। कहीं ये ब्रह्मदेव के वरदान की ओट में मुझसे छल तो नहीं कर रही हैं? प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं। मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। जय श्री राम। माता, यदि आपको सत्य में ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है तो बताइए मेरी ये विशाल देह कैसे आप अपने मुख में ले पाएंगी? मेरी देह इतनी विशाल और आपका मुख छोटा सा। अच्छा, मुझे नाग माता सुरसा से माया। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बतिस भयऊ। किंतु मेरी देह तो 32 योजन की हो गई है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। ओ सत योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीहा। जैसी आपकी आज्ञा माता। हनुमान सुरसा के मुंह में, ये तो अनर्थ हो गया। स्वयं को मेरे मुंह में प्रवेश करके भी बाहर आ गए।
अपमान है मेरा, तुम्हें मेरा आहार बनना ही होगा। मैंने कोई चतुराई नहीं की, कोई अपमान नहीं किया। आपको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है ना कि आप जिसे रोक लें उसे आपके मुख में जाना ही होता है। मैंने आपके उसी वरदान का मान रखा है, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मेरा बाहर आना आवश्यक था। अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। हनुमान पुत्र, तुम्हारी युक्ति प्रशंसनीय है। तुमने स्वयं को क्षति पहुंचे बिना ही मुझे प्राप्त हुए वरदान को पूर्ण किया है। बल और बुद्धि का अद्भुत संगम हो तुम हनुमान। सब प्रभु श्री राम की कृपा है माता, किंतु आपका ये रूप, आप कौन हैं? अपना पूर्ण परिचय दीजिए। मैं नाग माता सूरसा हूँ। मैं इंद्रदेव आदि देवताओं के द्वारा यहाँ भेजी गई हूँ। इंद्रदेव आदि के द्वारा, किंतु क्यों? यही प्रश्न मैंने भी देवताओं से पूछा था हनुमान। किंतु क्यों, क्यों मैं वहां जाकर हनुमान का मार्ग रोकूं? देवराज, हनुमान ने मेरा कोई अहित नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों उनके इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डालूं? इसीलिए नागमाता सुरसा, कि हनुमान का कार्य पूर्ण होने में कोई भी शंका ना रहे। मैं कुछ समझी नहीं देवराज। आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आपने जिसे एक बार विजय का आशीर्वाद दे दिया, फिर उसकी विजय निश्चित है। हम देवता चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हनुमान को मिले और वो सफलतापूर्वक प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर सके। नारायण नारायण। नाग माता, आप यही सोच रही हैं ना कि ना जाने हनुमान आपके आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं, तो आप उनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवराज के वज्र को भी सहन करने की क्षमता रखने वाले महाबली हनुमान के बल एवं विवेक से आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगी। और इस प्रकार देवताओं के आग्रह करने पर मैं यहाँ आई और तुम्हारी परीक्षा ली। माता, आशा है हनुमान से परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं हुई होगी। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है हनुमान। बल, बुद्धि और कार्य के प्रति समर्पण, इन तीनों ही कसौटियों पर तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हो। अतः तुम मुझसे वरदानी आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। बल, बुद्धि और कार्य के प्रति समर्पण, इन तीनों ही कसौटियों पर तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हो। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। देवी सीता को ढूंढने में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ओ सुरसा माता भीमानी, हनुमत बलशाली ज्ञानी,
राम का जे आशीष अर्जित पवन तनय बढ़े हर्षित हर्षित धन्यवाद माता, जो आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य समझा, मेरा नमन स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे माता। जय श्री राम। हनुमान सुरसा के क्षेत्र से आगे कैसे प्रस्थान कर गया? नहीं, हनुमान को सुरसा का आशीर्वाद यह शुभ संकेत नहीं है, नियति का संकेत भी लंका एवं लंकेश रावण के लिए अशुभ की ओर इंगित कर रहा है। कहीं ये मेरे उसी श्राप का आरंभ तो नहीं है जो मैंने क्रोध में आकर दैत्यराज बलि को दे दिया था। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने अनुयायियों को संकट में देखकर शांत नहीं रह सकता। मुझे ही हनुमान को रावण तक पहुंचने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। सही कहा राहु की माता, वो रोक सकती है हनुमान को। छाई पकड़ आखे करे, सिंगी का ऐसे उधर भरे। सिंहिका, ये तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्वर है। हा 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 हा
परछाई पकड़ा खेत करे, सिंगी का ऐसे ही उधर भरे। मैं आ रही हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आ रही हूँ। प्रणाम दैत्य गुरु। आज आपको सिंहिका का स्मरण कैसे हो आया? सिंहिका सर्वप्रथम जन्म लेने वाली राक्षसियों में से तुम एक हो, इसलिए समस्त राक्षसों की सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। दायित्व ही नहीं, ये मेरा धर्म है गुरुदेव। आज्ञा दे। तुम्हें तो ज्ञात है कि राक्षसों के उत्थान का केंद्र इस समय लंका है, किंतु एक संकट लंका की ओर बढ़ रहा है। संकट तो क्या, उसकी परछाई भी मुझसे बचकर लंका की ओर नहीं बढ़ सकती। राक्षसों पर आने वाले हर संकट को अपने पंजों में दबोच लेगी ये सिंहिका, भक्षण कर लेगी उसका। आप केवल ये बताएं गुरुदेव कि वो संकट है कौन। हनुमान, हनुमान, हनुमान। और अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। किंतु गुरुदेव, हनुमान कोई पक्षी की बात ही नहीं है जो मेरे फूंक मात्र से मेरे मुंह में खींचा चला आएगा। गुरुदेव कहीं मुझे श्राप ना दे दे। तुम असाधारण शक्तियों की स्वामिनी हो सिंहिका, हनुमान का बल और उसकी तीव्र गति का सामना करने के लिए मैंने तुम्हें असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी है सिंहिका। क्या तुम अब भी उस वानर से भयभीत हो? नहीं गुरुदेव, उस वानर से मुझे अपने पुत्र की ताड़ना का प्रतिशोध लेना है। अब हनुमान का आखेट होगा। हनुमान, तुम्हें ग्रास बनाएगी ये सिंहिका, परछाई पकड़ा खेत करे, सिंहिका ऐसे ही उधर भरे। प्रभु श्री राम की कृपा और माता सुरसा का आशीर्वाद, अब तो सफलता निश्चित है। अब कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी मेरा मार्ग। तुम्हें रोकेगी ये सेविका, वानर हनुमान, मेरे पुत्र रावण को ताड़ना देने वाले, राक्षसों के लिए संकट बनने वाले हनुमान। आज तुम पर संकट बनकर टूट पड़ेगी सिंहिका।
बस मैं यहां से आगे नहीं जाने दूंगी। जय गुरुदेव शुक्राचार्य। क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? अच्छा, तो इस मायावी राक्षसी ने मेरी परछाई को पकड़कर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। बड़ी ही अद्भुत शक्ति है इनके पास। कहीं ये भी माता सुरसा की भांति मेरी परीक्षा लेकर मुझे आशीर्वाद देने तो नहीं आई है? किंतु मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया है इन्होंने। मुझे शीघ्र ही कोई युक्ति करके इनके चंगुल से निकलना होगा। जब तक तुम्हारी परछाई मेरे हाथों में है वानर हनुमान, तुम हिल भी नहीं पाओगे। तुमने मेरे पुत्र को तड़पाया था, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपना आहार बनाऊंगी, तभी मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिलेगी। मैं तो आपकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता, किंतु आप भी मुझे हिला नहीं पाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे जाने दें, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने जाना है। तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो वानर, किंतु मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। हनुमान कहाँ तक पहुँचे, किस अवस्था में है, ये सब यहाँ से देखकर बताना संभव नहीं है प्रभु। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पृथ्वी के दक्षिणी छोर से सब देखकर आपको यहाँ आकर बताता हूँ। संपाती जी, इस वृद्धावस्था में आपको मेरे कारण कष्ट भोगना पड़े, ये मुझे उचित नहीं लगता। अपितु आप अपने परिवार के पास जाइए, सदियों से उनसे आपकी भेंट नहीं हुई होगी, उन्हें दर्शन दीजिए, आपकी प्रतीक्षा में होंगे वो। हनुमान स्वयं अपना कार्य कर लेंगे,
प्रभु, हनुमान की शक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं है, किंतु लंका महामायावी राक्षसों से भरी पड़ी है। कहीं कोई राक्षसी शक्ति हनुमान को संकट में ना डाल दे। कोई भी बाधा, कोई भी राक्षसी शक्ति हनुमान के संकल्प और शक्ति के समक्ष अधिक देर तक नहीं टिक सकती। संकट मोचन हनुमान को संकट में कोई नहीं डाल सकता। आज ही समस्त संसार देखेगा और देखेंगे सारे देवता कि सूर्य को निगलने वाले हनुमान को कैसे निगलती है ये सेंगिका। परछाई पकड़ आखेट करे, सेंगिका यो ही उधर भरे। राक्षसनी, तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना ही होगा। नारायण नारायण, हनुमान असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। नाग माता सुरसा का आशीर्वाद भी उन्हें मिल चुका है, किंतु सीता के हाथ में जब तक हनुमान की छाया है तब तक हनुमान की शक्तियां बंधी हुई रहेंगी। हाँ देवर्षि, कैसे मुक्त हो पाएंगे हनुमान? सिंहिका ने हनुमान को जैसे असहाय सा कर दिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए देवराज। ये वायुदेव करने क्या गए हैं? समझा, वायुदेव समस्त मेघों को सूर्यदेव की ओर एकत्रित कर रहे हैं, जिससे सूर्यदेव मेघों से ढक जाएं और हनुमान की परछाई ही मिट जाए। जब हनुमान की छाया ही नहीं बनेगी तो हनुमान स्वतः मुक्त हो जाएंगे। कैसे सूर्य पर छाने लगे? अवश्य ही कोई इस बादल की सहायता कर रहा है। किंतु तुम्हें सेगिका का हाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आ!
मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी बालक। ये इस प्रकार नहीं मानेंगी सखा। ये क्या कर रहा है दुष्ट वानर? इन मेघों को यहां से हटाना ही होगा। देखिए, मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ, मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, मैं तत्काल आपको मुक्त कर दूंगा। तुम यहाँ से कदापि नहीं जा सकते बादर, तुम्हें भी लाहार बनना ही होगा। कहीं ये पुनः मेरी परछाई न पकड़ ले। सखा, बड़ा चतुर है ये वानर, कहां चला गया? इस अवरोध को दूर किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही इस बाधा से निकलकर माता सीता की खोज के लिए निकलना होगा। सिंका को अपने मार्ग से हनुमान, परंतु मैं तुम्हें लंका पहुंचने नहीं दूंगा। रुक जाइए शुक्राचार्य, देवेश्वर अति है शुक्राचार्य, विधि के विधान में हस्तक्षेप की आज्ञा किसी को भी नहीं, पर
परंतु देवेश्वर, शुक्राचार्य, रावण ने एक पराई स्त्री देवी सीता का अपहरण करके पापाचार की समस्त सीमाएं लांघ ली है। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब जो भी उसका साथ देगा वो स्वयं उसके उस कृत्य में भागी माना जाएगा। क्षमा प्रभु, मैं समझ गया, अब मैं हनुमान की यात्रा में बाधा नहीं बनूंगा। अब ये तीव्र प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रतीत होता है ये स्वर्ण नगरी अवश्य ही रावण की लंका है। मेरे शरीर के दाहिने भाग में कंपन मुझे शुभ संकेत दे रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान लंका पहुंच चुके हैं, या शीघ्र ही हनुमान लंका पहुंचने वाले हैं, और वो शीघ्र ही जानकी का समाचार लेकर लौटे। हे अस्ताचल गामी सूर्यदेव, मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ जल स्वीकार कीजिए। मुझे भयभीत करने वाली ये भयंकर छवि किसकी है? कौन आया है यहाँ पे? अति सुंदर सुंदर है। अति सुंदर स्वामी, मैंने अभी किसी को आकाश मार्ग से इस ओर आते हुए देखा है। उसकी भयानक विशाल आकृति से स्वयं सूर्य देव का प्रकाश भी बाधित हो गया। अवश्य लंका की दूसरी ओर स्थित लंब पर्वत पर उसके उतरने से ही भूकंप उत्पन्न हुआ होगा। स्वामी, उसकी भयंकर आकृति को देख मैं कांप उठी और मेरे हाथों से सूर्य जल का कलश गिर गया। स्वामी, ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। स्वामी, इससे ये प्रतीत होता है कि कोई अनिष्टकारी छाया लंका में प्रवेश कर गई हो। मेरी पटरानी होकर आपको इस प्रकार भयाक्रांत होना शोभा नहीं देता। रावण भूमि है लंका नगरी। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा। आकाश में उड़ती उस भीषण छवि से स्वयं परम प्रतापी सूर्य देव पर भी ग्रहण लग गया था कुछ क्षणों के लिए। इसी कारण वह लंका में अंधकार छा गया। मेरी आशंका अनुचित नहीं है। मैं अभी देखता हूँ। प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा समाप्त करने
उन्हें माता जानकी का शुभ समाचार देकर उनकी पीड़ा हरने के लिए हनुमान को इस लंका नगरी के प्रत्येक कोने का निरीक्षण कर माता जानकी को अति शीघ्र ढूंढना होगा। ओ गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं ना जाए अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहूं पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। यहाँ तो अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, फिर मैं कैसे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर लंका नगरी के भीतर जाऊं और माता जानकी का पता लगाऊं? स्वामी बा, पास लंब पर्वत की ओर देखिए। ये भव्य भवन उस दुष्ट रावण का राजप्रसाद तो नहीं? इस प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, परंतु प्रतीत होता है मात्र छोटा सा वानर है वहां। अकस्मात मेरा बायां नेत्र क्यों कंपित होने लगा? मैंने कहा था ना स्वामी, ये हमारे अशुभ समय का संकेत है। मुझे भय है स्वामी, अवश्य कोई बड़ा अनिष्ट घटने वाला है। वहां और कोई नहीं, मात्र एक वानर प्रतीत होता है जो संभवतः छलांग लगाते हुए भटक कर यहां पहुंचा है। शीघ्र ही मेरे सैनिक उसको पकड़ लेंगे। लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। लंकने लंकाधिपति महाराज रावण की जय। प्रणाम महारानी मंदोदरी।
आदेश दीजिए दशानन, क्यों किया आपने लंकिनी का स्मरण? किसका करना है मुझे भक्षण? लंकने, मैंने तुम्हें एक अति आवश्यक और विशेष कार्य के लिए बुलाया है। यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस ताक लगाए खड़े हैं। इनकी दृष्टि से बचकर माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को इस लंका नगरी में बड़ी सावधानी से प्रवेश करना होगा। लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किसने किया लंक ने? एक सैनिक ने प्रयास किया था महाराज, परंतु वो जा नहीं सका भीतर। लंका के स्थान पर उसने मेरे उदर में प्रवेश किया। मुझे बताओ, क्या कोई बाहरी व्यक्ति लंका में आया है? लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। हे लंकेश, आप इस लंका की सेविका को अपमानित कर रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, और मुझे स्मरण नहीं कि मैंने यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने दिया हो। परंतु महारानी मंदोदरी को संशय है कि किसी प्राणी ने आकाश मार्ग से लंब पर्वत पर अनुचित प्रवेश किया है, जिसको उन्होंने वहाँ उतरते हुए देखा है। मेरा आदेश है लंकने कि तुम अपने कुशल सेनानियों को भेजकर ज्ञात करो कि वहाँ कोई है या नहीं। आप चिंता ना करें दशानन, यदि लंका की परिधि में किसी ने प्रवेश भी किया है तो शत्रुओं को कंकाल बनाने में पारंगत अपने सबसे विशिष्ट और सबसे भयंकर सेवक क्रोंचा को भेजकर मैं उसका पता लगा लूंगी और उसका विनाश भी सुनिश्चित कर दूंगी। प्रणाम दशानन। लंका मायावी नगरी है। जितनी सुरक्षा हनुमान देख पा रहा है, अवश्य ही उससे अधिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी यहाँ। यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का संकट हो सकता है, इसीलिए हनुमान के रूप में किसी शत्रु का आगमन हुआ है, इसकी भनक भी किसी को नहीं पड़ने दे सकता हनुमान। मुझे सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल जाने की प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे सबकी दृष्टि से बचकर मैं इस नगरी के भीतर जाकर सीता माता को ढूंढ सकूं। क्रोंचा की दृष्टि से बचकर कहां जाओगे? क्रोंचा क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। हमें क्षमा कर दीजिए। तुमने क्या सोचा था कि क्रोंचा का एक नेत्र नहीं है तो तुम उससे बचकर निकल जाओगे? क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए क्रोंचा, क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए क्रोंचा, रुक जाइए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए क्रोंचा, क्षमा कर दीजिए। ऐसी भूल नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए क्रोंचा, क्षमा कर दीजिए। ऐसी भूल नहीं होगी।
ये तो हमारी हो रहा है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं 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 तुम्हें क्रोंचा और उसकी शक्ति का ध्यान तब करना चाहिए था जब तुम लोगों ने लंका की सुरक्षा के कार्य में सावधानी बरती थी। मदिरा पान कर सोते हुए पाए गए थे। यदि कुछ अप्रिय घटित हो जाता तो मैं राक्षसी लंकनी को क्या उत्तर देता। क्रोंचा जीवित प्राणी है, तुम्हें यथाशीघ्र कंकाल में उसे परिवर्तित करना होगा। चिंता मत कीजिए, वो जो भी है क्रोंचा शत्रु को क्षण भर में कंकाल में परिवर्तित कर देगा। प्रणाम सूर्यदेव। मुझे और समय नष्ट किए बिना माता सीता को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। ओम क्लीम नमः। कौन स्त्री है जो यहाँ इस प्रकार मंत्र जाप कर रही है? क्लीम नमः, ओम 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 क्लीम नमः। कौन है ये और ये यहाँ रात्रि पूजन क्यों कर रही हैं? ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। हनुमान अपने ध्यान को बटने नहीं दे सकता, मुझे माता सीता को ढूंढने निकलना ही होगा। हे महादेव, मुझे गुप्त मार्ग से लंका में प्रवेश करने में सफलता दीजिएगा ताकि मैं अपने अबोध पुत्र को रावण के कारागृह से मुक्ति दिला सकूं। गुप्त मार्ग। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। यदि यह सत्य है और लंका में प्रवेश करने का कोई गुप्त मार्ग है तो हनुमान को वो ज्ञात करना चाहिए। ओम क्लीम नमः। और यदि ये असहाय महिला संकट में है तो इनकी सहायता करना भी मेरा धर्म है। ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। हे देवी, जिस प्रकार आपको अपने पुत्र को ढूंढकर मुक्त कराने लंका जाना है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी किसी को ढूंढने के लिए इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करना है। क्या आप मुझे वो गुप्त मार्ग बता सकती हैं जिसका आप अभी-अभी उल्लेख कर रही थीं? यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो हनुमान भी आपके पुत्र को मुक्त कराने में आपकी सहायता करेगा। मेरा लंका में प्रवेश करना अति आवश्यक है देवी, कृपया करके मुझे वो गुप्त मार्ग दिखा दीजिए। अवश्य, मैं आपको अपने साथ ही वहां ले चलूंगी। एक दूसरे के कष्ट के निवारण में सहायक बनना यही तो हमारा धर्म है। परंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा पूर्ण किए बिना यहां से नहीं जा सकती।
महादेव की पूजा? महादेव की पूजा करने से हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आप भी मेरे साथ उनकी पूजा कर लीजिए। जो आज्ञा देवी। किंतु पूजा स्थल में अस्त्रों का कोई स्थान नहीं। आज्ञा दीजिए माता। स्थान ग्रहण कीजिए। अपना शीश आगे कीजिए जिससे कि मैं आपका तिलक कर सकूं। मैंने सोचा कि कदाचित तुम्हें मंत्रों का उचित ज्ञान नहीं है, परंतु फिर तुमने तिलक के लिए सिंदूर अपनी अनामिका उंगली के स्थान पर अंगूठे से उठाया। जिससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तो अब बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। ये लट्टू तो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरे हथियार की परिधि में जो भी आया वो कभी बच ना पाया। वानर, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना? अब ना तुम्हारी बुद्धि बचेगी और ना ही तुम्हारा ये पर्वत के समान शरीर। बचेगा तो मात्र तुम्हारा कंकाल। सर्वप्रथम मुझे इस लट्टू को रोकना होगा। इसकी घूर्णन क्षमता तो रुकी नहीं रही। हा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 ह
वानर, तुम अपनी वानर बुद्धि का प्रयोग करते रह जाओगे, परंतु अपने समीप आते इस मृत्यु को नहीं रोक सकोगे तुम। इसका प्रभाव तो मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे इससे बचना होगा, किंतु कैसे? ये लट्टू संचालित डोर। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा अब तुम्हारी लट्टू संचालित डोर मेरी ओर है। मुझे वो वापस दे दे वानर। मेरी लट्टू संचालित डोर मुझे वापस दे वानर, दे मुझे वापस वानर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं वानर। अब हनुमान इसी के अस्त्र से इसका संहार करेगा। इस लट्टू को और कोई नहीं चला सकता वानर, तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को अपनी ओर खींच लिया है वानर। अब नहीं बच सकता तू वानर। Oh!
क्रोंचा का अंत हो गया। इसका अर्थ है अवश्य कोई भयंकर शत्रु लंका नगरी में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, परंतु इस लंकिनी के होते हुए इस लंका भूमि पर कोई पांव तक नहीं रख सकता। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, वो जो कोई भी हो। लंकिनी के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। लंकिनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। ओ चाक चौबंद चौकस नगरा, रात्र दिवस आठों पहरा, देख पवन सुत मन में विचार, हर लो आ लघु आकार। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। हनुमान की ये युक्ति अवश्य सफल होगी, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जय श्री राम। ये किसके विकराल नेत्र हैं जो इतने उग्र भाव से हनुमान को देख रहे हैं? किंतु जीवित वापस नहीं जा पाओगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान इस बाधा पर भी विजय प्राप्त करेगा। उद्दंड वानर, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगे? लंकिनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। बिना मेरी अनुमति के कोई कीट भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, और तुमने ये दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है वानर। लो अब भोग दो उसका दंड। देख, तेरी मृत्यु तेरे समीप है। बच गए।
चतुर समझते हो ना तुम अपने आप को वानर, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी चतुराई से कब तक बच सकते हो। अपनी स्फूर्ति दिखाकर अपने आप बचाव कर रहे हो कपटी वानर, तो लो अभी मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से परिचित कराती हूं। ये तो अदृश्य हो गई। हो गया, हनुमान को अपने कार्य में विलंब हो रहा है। पुनः बच गया ये कपटी वानर। पीछे स्वयं पर घात लगते ही सामने आ गई ना लंकिनी। को छकाकर उसे आक्रोधित करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है कपटी वानर। हाँ।
ने कहा था ना, लंकनी तुझे मसल कर रख देगी। पुनः बच गया ये चतुर वानर। लंकने के साथ क्रीड़ा। लंकनी के साथ क्रीड़ा, मसल देगी लंकनी तुम्हें। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, किंतु जो भी हो लंकनी के हाथों से नहीं बच सकते। लंकनी के प्रहार से अब तुम बच नहीं सकते वानर।